और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बीजेपी की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। कल बैठक में सभी 11 नामों पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हैं। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा, सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल, प्रकाश साहू। कांकेर का जिक्र करें तो यहां पर भोजराज नाग और राधेलाल नाग का नाम आगे चल रहा है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बात भी की। उन्होंने कहा कि इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगे। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया। हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, जिनके कंधों पर है 11 सीटें लाने की जिम्मेदारी। सीधे बात करेंगे सर, गांव चलो अभियान के बाद आप लाभार्थी अभियान, टारगेट क्या है? टारगेट नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी का और वो राष्ट्रीय वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन है इस दिशा में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में उनकी कई योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके बीच जाना, उनसे बात करना, समय समय पे हमारा 25 से 5 तक जो लगातार लाभार्थियों का सम्मेलन अलग अलग में, कहीं किसी को शौचालय किसी घर को मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार को, शहरी क्षेत्रों में भी किन्हीं के यहाँ रसोई गैस का उनका है, जो एक बहुत महती योजना है, घरों में विद्युत योजना पहुँचने का है, नल जल योजना का लाभ मिल रहा है उनका, आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से ले ले हम इसको, ऐसे कई हैं हमारे अभी महतारी वंदन योजना में जो हमारी बहनें इसमें लाभार्थी के रूप में रहेंगी, और किसान सम्मान निधि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 3 किश्तों में 2-2 हज़ार की किश्तों में 6 हज़ार की राशि सीधे खाते में पहुंचने का है, जनधन खाता खोलने का काम है, गांव-गांव में गरीब परिवार में हर किसी का जनधन खाता खोलने का काम हुआ। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही लोकसभा के जो प्रत्याशी की सूची है वो घोषित होगी, और दबाव तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। 11 की 11 सीटें भाजपा लाने का दावा कर रही है और इसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 5 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी में कैंडिडेट के नाम फाइनल होंगे। कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर सहित कई सीटों के लिए समन्वयक बनाए गए हैं। कांग्रेस भी जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। इधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और अब जल्द यहां से भी नाम जारी होंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दावेदारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पीसीसी स्तर पर नाम भेजे जा चुके हैं। जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, इसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। हमारी भी मीटिंग संभवतः 5 तारीख को है स्क्रीनिंग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पहली मीटिंग हुई उसमें छत्तीसगढ़ से जो हारे हुए सीट से उसका आएंगे कि और भी सीटों का आएगा। इधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने समन्वयक के नामों का ऐलान कर दिया है। कोंडागांव और नारायणपुर के शिशुपाल सोरी, चंदन कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है। जगदलपुर, चित्रकूट के लिए रेखचंद जैन को समन्वयक बनाया गया है और दंतेवाड़ा के समन्वयक की जिम्मेदारी राजमन बेंजाम के कंधों पर होगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई मौका गंवाने के लिए तैयार नहीं, और एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दम भर रही है। कांग्रेस भी हार की हताशा से उबरकर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है, लेकिन जनता किसका साथ देगी इसके लिए इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में बंटाधर की सियासत अब छिड़ गई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने कका भूपेश बघेल को बंटाधर बताया, जिसके बाद इसको लेकर घमासान छिड़ गया। दोनों पार्टियों में ये लड़ाई यही नहीं रुकी, सियासी बयानबाजी नाक तक पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। चैलेंज किया था जब राजनांदगांव की बात हुई तो मैंने कहा भाई दुर्ग आना चाहिए, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, आप उतारो ना, आप ही आओ।
करीबी ओरिफिस नहीं चलता, आप खुद आइए यहाँ तो लुटिया डूबो दिया छत्तीसगढ़ का, अब और जा रहे इधर उधर, तो जहाँ जाएंगे वो लुटिया डूबेगा। दुर्ग सांसद और भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल के इस बयान पर घमासान मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बंटाधार बताने पर कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ईडी और आईटी का डर दिखाकर हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं दुर्ग से विजय बघेल की भूपेश बघेल को चुनौती पर कहा कि दुर्ग से टिकट देना कांग्रेस का निजी मामला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में अब कुछ बाकी नहीं रह गया, उनकी आपस में इतनी लड़ाई है, अब कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा वो कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की जनता उसको डिसाइड करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती कि उनके बोलने से उनके कहने पर टिकट बटेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। दोनों ही पार्टियों में बयानों के तीर यही नहीं रुक रहे। बस्तर के पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नाक तो विधानसभा चुनाव की हार में कट गई थी, अब लोकसभा चुनाव में कान भी कटवाने के लिए तैयार रहें। हमारा गोयल तो उसको झटका दिया था ना कि आपको इस बार हरा के रहूंगा, और मैं भी सोच रहा था इसको हरा के रखना है और हरा भी दिया हम लोग। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, बेंजाम को बता दिया था मैं तेरे ये छोड़ने वाला नहीं है, तेरे को सत्यानाश करने वाला है, इतना तक बोल दिया था। अब वो कान नाक क्या बचाएंगे, अब क्या बचाएंगे, क्या बचा है उसके बाद? नाक कटाने के लिए बात कहा था, नाक कटेगा, कान भी कट गया और क्या बचा है उनके पास, अब क्या लड़ेंगे क्या वो? इधर दिनेश कश्यप को जवाब दिया कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब 15 सीटों पर सिमटी थी तो क्या नाक नहीं कटी थी? लोकसभा चुनाव को लेकर इंतजार करें तो इससे पहले वाले जो विधानसभा में जब उनकी 15 सीट थी तो उन लोगों की नाक कट गई थी क्या? ये इस प्रकार की बातें जो है किसी भी राजनीतिक दल के नेता को शोभा नहीं देता। तो लोकसभा चुनाव के लिए अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी शूरवीरों के तर्कश से बयानों के तीर निकलना शुरू हो चुके हैं। इंतजार कीजिए, अभी सियासत में बहुत बयान आने बाकी हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव आ गए हैं, ऐसे में विवादित बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक आम सभा में हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया और इस भड़काऊ बयान में ब्राह्मणों को विदेशी बताया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए उकसाया गया। वीडियो वायरल हुआ तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। आखिर ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की आहट है और बिगड़े बोल भी अब निकलने लग गए हैं। चुनाव हो और धर्म पर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जशपुर के कुनकुरी में हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। एक आम सभा में ब्राह्मणों को लेकर एक भड़काऊ भाषण दिया गया। पहले आप उस भाषण को सुनिए। लड़ाई तो होगी, मूल निवासी वालों विदेशी की लड़ाई होगी। ब्राह्मण है जो 21 मई 2001 को माइकल बाम साहब ने सिद्ध किया कि भारत देश का रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है। माइकल बाम साहब ने कहा तेरा खून मेरा खून निकाल के जांच किया तो पता चला कि भारत देश का रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है। सुना आपने, ये महाशय ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे हैं। क्या करें, चुनाव है तो वोट बैंक की राजनीति तो होगी ही। दरअसल भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया था जिसमें यह भाषण दिया गया। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों में जाकर ईवीएम तोड़ने के लिए भी उकसाया गया। ये सब ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन की वजह से आज भारत देश मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा हुआ है। 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ना, ये भी हम मशीन को ही फोड़ना है। अगर 2024 में हम लोगों ने ईवीएम मशीन फोड़ दिया तो ये 3 राज्य के मुख्यमंत्री भी लौट आएंगे। सोशल मीडिया पर भाषण वायरल हो रहा है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की है। कुनकुरी पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन एवं इसके साथ ही अन्य संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में तथाकथित तरीके से हिंदू धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की गई थी। इसकी शिकायत कल थाने में करनैल सिंह नामक एक प्रार्थी ने दिया है।
कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति निर्मित करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह के बयानों से समाज में तनाव जैसी स्थिति बनने की आशंका होती है। चुनाव के दौरान इस तरह के बयान ज्यादा आते हैं, ऐसे में प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जशपुर से दीपक सिंह, न्यूज 18। और अब बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप की। इस केस में जिसमें ईडी ने हाल ही में रेड में 1296 करोड़ बरामद किए, तो वहीं महादेव सट्टा ऐप के मेन ऑपरेटर को भोपाल से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, महादेव सट्टा केस में ईडी ने हाल ही में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर समेत रायपुर में रेड की थी, जिसमें 1296 करोड़ बरामद किए गए। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। उसने प्रेस नोट में बताया कि इस रेड में 580 करोड़ सीज किए गए। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी को जांच के दौरान तलरेजा और रतनलाल जैन के शुभम सोनी के साथ करोड़ों का ट्रांजेक्शन मिला है। शुभम सोनी अभी फरार है। 2 सप्ताह पहले ईडी ने भिलाई से 25 साल के नीतीश दीवान को गिरफ्तार किया था। वैशाली नगर का रहने वाला नीतीश दीवान महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर के साथ ऐप के पैनल ऑपरेशन का काम करता था और 2 साल तक दुबई में रहा। बताया जा रहा है कि उसके निशानदेही पर ही टीम तलरेजा तक पहुंची। इस मामले में ईडी अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने पहले कहा था कि महादेव ऐप से हुई अवैध कमाई का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। इस मामले में ईडी ने 2 आरोप पत्र तैयार किए हैं। इसमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल है। मामले में कई छापे ईडी ने मारे हैं। इस मामले में अनुमानित अवैध कमाई करीब 6000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आज ईडी ने कई जगह पर छापे मारे। कोरबा में कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हो रही है। बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम जांच करने पहुंची। बैंकुटपुर सीईओ राधेश्याम के घर भी ईडी ने छापा मारा। 9 घंटे की कार्रवाई के बाद राधेश्याम को ईडी ने हिरासत में ले लिया, रायपुर रवाना हो गई। जशपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। सुकमा की बात करते हैं, यहां पर छेड़छाड़ करने वाले बाबू को सबक सिखाया गया है। पीड़िता ने जोरदार पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने दफ्तर जाकर बाबू को जमकर पीटा। ये तस्वीरें आप देखिए, पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोपी बाबू को जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया है। कलेक्टर ने 5 सदस्यों की जांच समिति भी बनाई है। 1 सप्ताह में वो रिपोर्ट सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। धमतरी में 44 लाख का गांजा बरामद किया गया। ट्रक से ओडिशा से राजस्थान ये ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक जब्त करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। तो वहीं जगदलपुर में ओडिशा से लाया जा रहा 107 किलो गांजा पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश भर के 56 लाख उपभोक्ताओं के घरों में ये मीटर लगाया जाना है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इधर प्री पेड मीटर लगाए जाने के फैसले के बाद प्रदेश भर के 6000 से अधिक मीटर रीडर 1 मार्च से 5 मार्च तक हड़ताल पर चले गए हैं।